और अब खबर बस्तर से है, जहां पर 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण रस्म रथ परिक्रमा के लिए विशालकाय रथ का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। 20 दिनों के भीतर 30 फीट ऊंचे इस रथ का निर्माण किया जाएगा और प्रशासन की अनदेखी के चलते कारीगरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि दिन भर में 5 घंटों से ज्यादा काम करने वाले इन रथ कारीगरों के लिए प्रशासन ने भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे बनाना है, मतलब बनाते हैं, अभी बाप दादा लोग मर गए, अभी मर हमारा जो बनाते बनाते 35 साल हो गया, तो चल रहा है अभी। 4 चक्का भी बना सकते हैं, 8 चक्का भी बना सकते हैं, साल में। विश्व में रावण का पुतला जलाया जाता है दशहरे के दिन पे, वहीं बस्तर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कहा जाता है और यहाँ पर माई दंतेश्वरी के छत्र को रथ में सवार करके शहर का परिक्रमा किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रामीणों की, जो यहाँ पर आके रथ निर्माण करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण, लगभग 100 ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं जो रथ का निर्माण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनको खाने का जो सुविधा है, राशन पानी है, वो भरपूर नहीं मिल पा रहा है। भोजन तो मिल जाता है लेकिन सिर्फ दाल ही चावल यहाँ पर इनको मिल पाता है, ना ही सुबह का नाश्ता मिलता है और ना ही इनको सब्जी का यहाँ पर पूर्ति की जाती है। वही ये जो कारीगर हैं यहाँ पर रथ निर्माण करने के लिए आए हैं, वह लकड़ियां को बेचकर सब्जी लाते हैं और अपनी भरी पूर्ति करते हैं। प्रशासन शासन इनका बात सुनती नजर नहीं आ रही है। वहीं कारीगर का कहना भी है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम अगले साल रथ बनाने नहीं आएंगे। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।